आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करेंगे, वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र या संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे बताने जा रहे हैं, और ये भी कि किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। हाय रॉबर्ट, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करके मुझे भी खुशी होगी। रॉबर्ट, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदों का जिक्र किया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें पहला फायदा क्या है? मुझे लगता है कि पहले नंबर का फायदा ही वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट और इसी तरह के कई नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों के साथ काम करता हूँ। और जैसे आपने ठीक कहा है, मैं यहाँ पर किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करूंगा, बल्कि मैं पूरे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पहले नंबर का फायदा है जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। और मुझे लगता है कि अगर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे के अलावा किसी और चीज के लिए आना चाहे, तो वो है जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो वही बोरिंग नौकरी करते करते थक गए हैं, हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना चाहते, और जो सुरक्षित खेल खेलते खेलते थक गए हैं, जो अपने साथियों और बड़ों की नसीहतें सुन सुन के परेशान से हो गए हैं, देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव मत करना, वगैरह वगैरह। तो मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाता है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना चाहते और जो नौकरियां बदल बदल के उकता गए हैं। पर इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे कहूं, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरा इतिहास क्या है, मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं किस तरह नाइटिंगेल कॉन्वेंट से जुड़ा। क्यों नहीं, बहुत पहले 1974 में मुझे ये फैसला करना था कि मैं अपने गरीब डैडी की सलाह मानूं या न मानूं। मेरे गरीब डैडी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो हवाई स्टेट के शिक्षा प्रमुख थे। अपने डैडी को मैं गरीब डैडी इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके कमाए हुए सारे पैसे उसी महीने खत्म हो जाते थे, और इसके बाद भी वो मुझे वही घिसी पिटी सलाह दिया करते थे जिस पर वो खुद चले थे। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, बड़ा घर खरीदो। जब मैं वियतनाम से वापस लौटा और तब मैं एक मरीन हेलीकॉप्टर पायलट था, तो मेरे गरीब डैडी, जो हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने बॉस के खिलाफ गवर्नर की पोस्ट के लिए खड़े रहने की गुस्ताखी की थी, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना ही था। उनसे कह दिया गया था कि अब वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र का यह आदमी, जो समर्पित लोक सेवक और सरकारी कर्मचारी था, जो इसी नियम पर चला था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और उनके नंबर सचमुच बहुत अच्छे थे, पर ये नियम उनके काम नहीं आए थे। वो मुझे फिर भी यही समझाते रहे कि मैं उन्हीं नियमों पर चलूं। तो अब उनकी नौकरी चली गई थी, उन्हें एक तरह से अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा पहले से ही एडवांस में निकालना पड़ा। उन्होंने एक आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदी जिसमें कोई जोखिम नहीं था, और बदकिस्मती की बात है कि उन्हें घाटा हुआ और उन्होंने अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा गवा दिया। फिर भी उन्होंने मुझे उन्हीं नियमों पर चलने को कहा जिन नियमों ने आजकल काम करना बंद कर दिया है। मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट या नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन इसीलिए करता हूं क्योंकि आज जमाना बदल गया है। हम औद्योगिक युग में नहीं रह रहे, जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना होगा, हमारी शिक्षा को बदलना होगा। औद्योगिक युग के साथ साथ उस चिंतन की भी मौत हो गई जो कहता था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कड़ी मेहनत करो, सुरक्षित नौकरी खोजो, कंपनी तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम सभी जानते हैं कि आज ये सच नहीं है, कंपनियां आपका ख्याल नहीं रखने वाली, वो आपको नौकरी से निकाल देगी, चाहे आप 14-15 साल से उस कंपनी में क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो अब नियम बदल गए हैं, इंफॉर्मेशन एज में आपको नई जानकारी, नई सूचना की जरूरत है। वियतनाम से लौटने पर खुशकिस्मती से मैंने यह अनुभव किया कि मुझे शिक्षा की जरूरत है। मेरे पास बीएससी की डिग्री थी, फिर भी मुझे मेरा मनचाहा काम नहीं मिल रहा था, अर्थव्यवस्था की हालत बुरी थी, और मेरे गरीब डैडी फिर भी कहे जा रहे थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और ये मूर्खतापूर्ण सलाह थी। जब उस नियम पर चलकर आप सफल नहीं हुए, तो फिर आप मुझे उन्हीं नियमों पर चलने को क्यों कह रहे हैं? उस समय मैंने फैसला किया कि मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा।
मेरे अमीर डैडी का ये कहना था कि बिजनेस खड़ा करो। तो अब मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट था जिसकी डिग्री की कीमत 2 करोड़ की थी और जिसे नई शिक्षा की जरूरत थी। तब मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले एक बड़े रैली में गया। इससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी प्रेरणादायक और शैक्षणिक रैली नहीं देखी थी। वहां जो लोग बोल रहे थे वो किसी यूनिवर्सिटी के टीचर नहीं थे बल्कि अपने उद्योग के दिग्गज थे। उस दिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं टिकट के लिए $60 खर्च करूंगा। मैं जेरोक्स कॉरपोरेशन में जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और मैं नई शिक्षा की तलाश कर रहा था और W. क्लेमेंस स्टोन ने मुझ पर जादू कर दिया। उनकी बातें मुझे अमीर डैडी से मिलती जुलती लगी पर गरीब डैडी से पूरी तरह से अलग। जिन बातों पर जोर दिया गया था वो थी आजादी का महत्व, साहस की जरूरत, बहाव के खिलाफ बहना, कभी कभार जोखिम लेना, कंपनी खड़ी करना और सबसे महत्वपूर्ण बात अमीर बनना। तो मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि नाइटिंगेल कॉन्वेंट के पास दुनिया के महानतम लोगों के विचार हैं जो आपको एक अलग रास्ते पर ले जाएंगे, एक ऐसे रास्ते पर जिस पर बहुत कम लोग चला करते हैं, जिस पर चलकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहां पर आपको डेल कार्नेगी के विचार भी मिलेंगे और डेल कार्नेगी गजब के आदमी है। डेल कार्नेगी के लीडरशिप कोर्स का मैंने पूरा ऑडियो सेट खरीद लिया, ये शानदार था। पर जिस कैसेट ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया वो था अर्ल नाइटिंगेल का लीड द फील्ड। इस कैसेट ने मुझे सिखाया कि किस तरह महान बना जाए। तो मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट और नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ इसलिए करता हूं, सभी कंपनी की नहीं पर ज्यादातर कंपनियों की, क्योंकि ये शैक्षणिक कंपनियां हैं। ये कंपनियां उन लोगों को बिजनेस शिक्षा देती है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ हटकर करना चाहते हैं, जो स्कूल और कॉलेज में सिखाए गए तरीकों से जिंदगी नहीं जीना चाहते, क्योंकि आजकल सफलता का संबंध स्कूल और कॉलेज से रहा ही नहीं है। अब औद्योगिक युग समाप्त हो चुका है, नौकरियों की कोई सुरक्षा नहीं बची, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तो ऐसे माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और नाइटिंगेल कॉन्वेंट में ऐसे नए युग के महान लीडर्स और परामर्शदाता हैं जो दुनिया को बिजनेस की शिक्षा देते हैं। तो लंबे समय में मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उतरने की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि यहां आपको भविष्य के लिए बिजनेस की शिक्षा मिलती है। ये बिजनेस की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो बदलना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वो कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। तो किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के लिए नहीं आना चाहिए। पैसा आए, ढेर सारा पैसा आए, ये अच्छी बात है, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात है शिक्षा और अनुभव। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा के लिए आना चाहिए। हाँ, और एक बात है कि आपको इसमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी आना चाहिए। इसमें आने के बाद जिंदगी बदल जाती है? हाँ, हो सकता है कि आप उसी पुरानी नौकरी में फंसे हों और या नौकरी बदल बदल कर थक गए हों। आपको नए दोस्तों की जरूरत है, नए विचारों की जरूरत है, नए लोगों से बात करने की जरूरत है। मैंने जिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अध्ययन किया है उनके शैक्षणिक कार्यक्रम अद्भुत है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सामानों या प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अच्छा, ये विटामिन है, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, ये वजन घटाने का उत्पाद है या टेलीफोन सर्विसेज है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बढ़िया बात ये है कि यहाँ सभी तरह के सामान होते हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं, यहाँ के सामान बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सामानों से आगे देखिए, शैक्षणिक कार्यक्रम या एजुकेटिव प्रोग्राम्स पर नजर रखिए, जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित कीजिए और ये पता लगाए कि ये आपके बदलने में आपका कितना साथ देते हैं। मैं ज्यादातर लोगों से कहता हूं कि आप रातों रात इंप्लॉई से बिजनेसमैन नहीं बन सकते या सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी से बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का समय चाहिए। आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपका साथ दें और उसी रास्ते पर चलना चाहते हो, ऐसे लोग जो आपका समर्थन करें और आपके मार्गदर्शक भी बने, जिसका मुख्य काम हो आपको ऊपर खींचना ना कि नीचे धकेलना। जबकि आप अपने काम में फंसे हुए होते हैं और मेरी नजर में ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं किस तरह ऐसी कंपनी खोजूं जिसमें ये सब कुछ हो। मैं किस तरह पता लगाऊं कि उनके पास ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा हूं? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए उनसे कि उनका शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, वो आपको कितना समर्थन देंगे, उनकी मीटिंग्स किस तरह से होती हैं, उनके पास किस तरह के एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो लोग सिर्फ आपको बेचने की कला सिखाना चाहते हैं, जैसे हम आपके लिए अलादीन का चिराग लाए हैं जो आप ये जरूर खरीदें, तो
आपको वो सिर्फ एक सेल्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे मैं एस क्वाड्रेंट या छोटे बिजनेस का मालिक कहता हूं। वो आपको बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस मालिक बनने की शिक्षा नहीं दे रहे। जिन्होंने मेरी दूसरी किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी है, वो जानते हैं कि ई क्वाड्रेंट का मतलब है एम्प्लॉई या कर्मचारी, एस क्वाड्रेंट का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटे बिजनेस के मालिक, बड़े बिजनेस के मालिक यानी कि बी क्वाड्रेंट, और यही ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, और आई क्वाड्रेंट निवेशक के लिए है यानी इन्वेस्टर्स। पहले तो आप उनसे सारी जानकारी ले लें, फिर आप मीटिंग्स में जाएं, अपने दिमाग को खुला रखें, और आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग आप ही की तरह उसी कश्ती में सवार हैं। आप ये भी पता लगाएं उस कंपनी के लीडर्स कौन हैं, वो कहां से आए हैं, वो किस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्या वो अपने सामान को ही बेचने पर जोर देते हैं, या वो आपको एक बेहतर व्यक्ति के रूप में विकसित करने पर ध्यान देते हैं, क्या वो केवल आपको एक सेल्समैन बनाने पर जुटे हुए हैं, या आप में सचमुच साहस लगन जैसे गुणों को विकसित करना चाहते हैं। आप ये भी देखना कि वो आपकी तरफ कितने कमिटेड हैं, और ये बात सुनिश्चित कर लें कि वो मुझे एक व्यक्ति के रूप में विकसित करना चाहते हैं या वो मुझे सिर्फ एक सेल्समैन बनाना चाहते हैं। जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से मेरा पहला सामना हुआ तो मेरी इसके बारे में नकारात्मक धारणा बन गई थी। ये 1970 के दशक की बात है, मैं नई शिक्षा की तलाश कर रहा था और मुझे नए जवाबों की जरूरत थी। किसी ने मुझसे कहा मैं आपको नए बिजनेस के अवसर दिखाना चाहूंगा, तो मैं उसके साथ उस मीटिंग में चला गया और मैं वहां बैठ गया और बस जो लोग बोल रहे थे मैं सुनता रहा। वहां मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द सुना। मुझे माफ कीजिए पर मुझ पर उस भाषण का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लोग मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने ये समझ लिया कि वो मुझे बिजनेस खड़ा करना सिखाना चाहते हैं तो मैं उठकर बाहर चला आया। मैं इसलिए बाहर आ गया क्योंकि मैं जानता था कि बिजनेस किस तरह से खड़ा किया जाता है। मेरे पास मेरे अमीर डैडी जो थे, जिनके कारण मैं आज कॉर्पोरेशंस खड़े करता हूं, क्योंकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे बी क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग दी थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के प्रति मैं इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि इसमें नेटवर्क या नेटवर्किंग शब्द जुड़ा हुआ है। मैं शब्दों की शक्ति के बारे में काफी बातें करता हूं। शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की शब्दावली अलग अलग होती है। मेरी जिंदगी में दो डैडी थे और हालांकि दोनों ही डैडी अंग्रेजी भाषा बोलते थे, उनके शब्द अलग अलग होते थे। मेरे गरीब डैडी स्कूल टीचर वाली भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसमें एलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐसे शब्द इस्तेमाल होते थे, तो मेरे अमीर डैडी टैक्स रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर, कैश फ्लो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे। तो मेरे अमीर डैडी दरअसल नेटवर्क शब्द का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। उन्होंने नेटवर्क की शक्ति पर इसलिए जोर दिया क्योंकि नेटवर्क में बहुत शक्ति होती है। जॉन रॉकफेलर का उदाहरण लें, जो स्टैंडर्ड ऑयल के फाउंडर हैं, उन्होंने रिफाइनरीज, डिस्ट्रीब्यूशंस और पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क बना दिया और इसलिए वो बहुत बहुत अमीर बन गए। एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहता हूं कि नेटवर्क शब्द एक बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली शब्द है। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तो मैं उत्साहित हो गया, जैसे टेलीविजन का नेटवर्क। नेटवर्क में सबसे ज्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं। जनरल मोटर्स क्या है? कार डीलरों का एक नेटवर्क है और इसलिए ये एक दमदार कंपनी है। तो मैं इसलिए एक बार फिर कहना चाहूंगा कि नेटवर्क शब्द एक बहुत शक्तिशाली शब्द है, उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को नापसंद करते हैं। उन्हें मैं ये बता दूं कि वो शायद ये नहीं जानते कि वो किस शब्द को नापसंद कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे शक्तिशाली और बड़े बिजनेस को बनाने का मौका देता है, और ये मौका आपको भी मिल सकता है। मैं पहली मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस खड़ा करने में व्यस्त था। मैं नायलॉन वेलक्रो वॉलेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का नेटवर्क बनाने में व्यस्त था। मैं नेटवर्क की शक्ति को समझता हूँ, आम आदमी इस शक्ति को नहीं समझता। मैंने तो इस तरह पहले कभी नहीं सोचा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। रॉबर्ट, आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, इसके बी और आई क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है और किस तरह ये आपके फायदे नंबर दो से संबंधित है।
ओके, कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये बताता है कि बिजनेस में चार तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले संख्या उन लोगों की होती है जो ई क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी कि कर्मचारी इम्प्लॉइज। अगर मैं कर्मचारी होता तो मैं भी उन्हीं चीजों के पीछे भागता जिनके पीछे ई क्वाड्रेंट के लोग भागते हैं। मैं भी सुरक्षित नौकरी, नौकरी के लाभों की, पेंशन की चिंता करता। एस क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या छोटे व्यवसाय के मालिकों या विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, इन लोगों से मिलकर बनता है। ये लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं होते और अक्सर कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, खुद का धंधा करूंगा। वो ई क्वाड्रेंट छोड़कर एस क्वाड्रेंट में शामिल होना चाहते हैं, पर एस क्वाड्रेंट सबसे कठिन क्वाड्रेंट है क्योंकि यहां आपको लगातार काम करना पड़ता है। सरकार की तरफ से कई समस्याएं भी आती हैं जिनमें से टैक्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि वो अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर आप दांतों के डॉक्टर हैं और आप दांतों की ड्रिलिंग करना बंद कर देते हैं तो आपकी आमदनी भी बंद हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि एस और बी क्वाड्रेंट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। बड़े बिजनेस के मालिक जैसे बिल गेट्स, माइकल डेल, हेनरी फोर्ड, जॉन रॉकफेलर नेटवर्क और नेटवर्किंग सिस्टम बनाते हैं। वो अपने यहां स्मार्ट लोगों को काम पर रखते हैं, इसलिए वो कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कमा लेते हैं। क्वाड्रेंट की बाई तरफ के लोग यानी कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उन्हें पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनकी आमदनी भी सीमित होती है क्योंकि वो खुद के दम पर कमाते हैं। एस क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोगों की सालाना आमदनी अमेरिका में 1,00,000 से 1,25,000 डॉलर होती है और वैसे देखा जाए तो ये बुरा नहीं है। ज्यादातर ई क्वाड्रेंट के लोग यानी औसत कर्मचारी $50,000 कमाकर खुश हो जाते हैं, पर बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस के मालिक की आमदनी असीमित होती है। बी क्वाड्रेंट का मालिक रॉक स्टार, स्पोर्ट स्टार, मूवी स्टार से भी ज्यादा पैसा कमाता है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग लाखों कमाकर खुश होते हैं जबकि बी क्वाड्रेंट के लोग करोड़ों या अरबों कमाते हैं क्योंकि बी क्वाड्रेंट में ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती हैं। नेटवर्क होने की वजह से उनकी आमदनी की संभावना वास्तव में असीमित होती है क्योंकि उनका नेटवर्क असीमित होता है। आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर या निवेशक वो आदमी होता है जो पैसों को लेता है और उसे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल कॉलेजों में लोगों को ई या एस क्वाड्रेंट के लिए तैयार किया जाता है जहां हमें नौकरी या प्रोफेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे डॉक्टर्स, वकील, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये सब एस क्वाड्रेंट में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बी क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और ये दुनिया का सबसे अमीर क्वाड्रेंट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अमीर बनना ही सब कुछ है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट बदलना होगा। नौकरियां बदलने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट में आने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। एस का मतलब हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे सुपरमैन, स्टार या इसी तरह का कोई और आदमी जो कड़ी मेहनत करता है क्योंकि वो अकेला ही अपने लिए मेहनत करता है। इसमें आपके पास सफल होने के बेहतर अवसर तो होते हैं पर उतने नहीं जितना बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में होते हैं। अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों को लेती है और उन्हें अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से बी क्वाड्रेंट के आदमियों में बदल देती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये रातों रात नहीं हो जाता, इसमें समय लगता है क्योंकि इसमें आपके मूलभूत जीवन मूल्यों को बदल पड़ता है। आपको अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है, जीने के तरीके को बदलना पड़ता है, सोचने का ढंग बदलना पड़ता है। एक बार आप किसी अच्छी कंपनी को चुन लें तो फिर उसके साथ जुड़कर खुद को कम से कम 5 साल का समय दे, नए लोगों से मिले, नए कलाएं सीखें, नए यथार्थ, नए मूल्यों को पहचानें और धीरे धीरे बदलें। मैं आपसे रातों रात बदलने की उम्मीद नहीं करता, मैं भी रातों रात नहीं बदला था। खुद को बदलने में मुझे कई साल लग गए क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जो उच्च शिक्षा और काम की सुरक्षा में विश्वास करता था, यानी कि मैं ई क्वाड्रेंट के परिवार में पैदा हुआ था और बी क्वाड्रेंट की मानसिकता विकसित करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट तक ले आने में बहुत बहुत मेहनत की है। मेरे लिए जो काम मेरे अमीर डैडी ने किया है, आपके लिए वही काम आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग कॉरपोरेशन की एक और बढ़िया बात यह है कि वो आपको बाहर और भीतर दोनों तरफ से बदल देते हैं।
इसके अलावा बदलाव की प्रक्रिया में वो आपको समर्थन या सहारा भी देते हैं। मैं खुशकिस्मत था कि मेरे पास मदद के लिए अमीर डैडी थे और सलाह देने वाले बहुत से परामर्शदाता थे, पर आपके पास तो ऐसे लोग हाल फिलहाल मौजूद नहीं होंगे। इसलिए जाएं और किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाएं, उनकी मीटिंगों में जाएं, नए दोस्त बनाएं, अपने सोचने के तरीके को बदलें और दुनिया को देखने के अपने नजरिए को भी बदलें। इस तरह आपकी ई और एस क्वाड्रेंट की मानसिकता धीरे धीरे बदलकर बी क्वाड्रेंट की मानसिकता हो जाएगी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बढ़िया बात यह है कि अगर आप हर महीने $1,000 कमाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आप काम शुरू कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर करोड़ों डॉलर भी कमा सकते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ति है। ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का जादू है और एक बार आप इसे ठीक से समझ लें, इसे अपने दिल में बसा लें, अपने दिमाग में उतार लें और एक बार हमेशा के लिए खुद को बदल लें, तो फिर आप अपनी पुरानी दुनिया में लौटना पसंद ही नहीं करेंगे। ये विचार आपको फायदे नंबर 3 की तरफ ले जाता है, यानी बी क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचा जाए और बी क्वाड्रेंट में पहुंचना क्यों महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जब लोग कहते हैं मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे लगता है वो नहीं जानते कि इसमें कितनी ज्यादा पूंजी लगती है, कितनी ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है, कितने साहस की जरूरत होती है। 50 और 60 के दशक में फ्रेंचाइजी बिजनेस इतना लोकप्रिय सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें लागत कम थी और रिस्क भी कम था, और इसके माध्यम से ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट तक पहुंचा जा सकता था। तो मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंचाइजी को लेने के बाद आपके पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो असफल नहीं होगा। कुछ फ्रेंचाइजों के लिए बैंकों की तरफ से भी लोन मिलता है, जबकि कई बार अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक लोन देने से मना कर देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बढ़िया बात यह है कि इसकी लागत बहुत कम है, शायद $100 से $300। मैकडॉनल्ड्स के लिए आपको एक साल में $1,000,000 चाहिए तो खुद को शिक्षित करने के लिहाज से नेटवर्क मार्केटिंग की कम लागत एक बहुत बड़ा फायदा है। नाइटिंगेल कॉनन के पास महान लोगों के विचारों के बहुत से टेप है। एक बहुत ही बढ़िया टेप है जिम रोन का आर्ट ऑफ एक्सेप्शनल लिविंग, जो बहुत ही शानदार टेप सेट है। ये उन लोगों के खास काम आएगा जो आगे बढ़ने की प्रेरणा चाहते हैं, जिन्हें कभी कभी खुद पर शंका होती है। जिम रोन के शब्द और जिम रोन के विचार अनमोल हैं। तो जो लोग खुद को बदलने के लिए मेहनत करना चाहते हैं, मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि आप नाइटिंगेल कॉनन के टेप के इस संग्रह को देखें। ये एक शानदार सेट है और इससे आपको अपने जीवन की दिशा बदलने में मदद मिलेगी। अगर आपने 5 वर्षों तक अध्ययन कर लिया है तो आपने सीखने के ग्राफ को भी समझ लिया है। 5 साल तक जुटे रहने के बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि आप एक ऐसा दोस्त ढूंढने जो वहां आपके साथ जाना चाहता हो। मेरे पास बहुत बढ़िया दोस्त थे। जब मैंने और मेरे दोस्त ने ज़ेरॉक्स की अपनी नौकरियां छोड़ी तो हमें काफी पैसा मिल रहा था। हमारा बिजनेस अगले ही दिन नहीं जम गया था। इस बीच में हमें कई बार ये सुनने को मिला, ये दोनों कितने मूर्ख हैं, इतनी अच्छी नौकरियां छोड़कर ये बिजनेस करने चले हैं, इनका बिजनेस जरूर चौपट हो जाएगा। और हमारा बिजनेस चौपट हुआ। आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे दोस्त लैरी और मैंने नायलॉन वेलक्रो वॉलेट्स का बिजनेस शुरू किया था और इसमें हमें आखिरकार असफलता हुई। पर असफलता के बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अंदर से और ज्यादा मजबूत हुए और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम वापस ई और एस क्वाड्रेंट में लौट जाएं। हालांकि आप जानते हैं कि हम दिवालिया हो चुके थे और दुनिया हम पर हंसती थी, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। 10 साल बाद लैरी क्लार्क इंक मैगजीन का एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर चुना गया, उसे सबसे तेजी से विकसित हो रहे होम बिल्डर का खिताब दिया गया, मैं रिच डैड पुअर डैड का बेस्ट सेलिंग लेखक बन गया। लैरी क्लार्क के बिना मैं सफल नहीं हो सकता था, या मेरी पत्नी के बिना जो मेरे बिजनेस में मेरी पार्टनर है। मेरी पत्नी बहुत ही शानदार महिला है और मैं जानता हूं कि उसने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। जब हम मिले थे तब मेरे पास पैसे थे ही नहीं, हमारे पास केवल एक सपना था और आगे बढ़ने का एक हौसला। हालांकि हमारे पास सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि बिना इतनी बढ़िया पत्नी और इतने अच्छे दोस्तों के बिना मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता। मैं
समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ जाना चाहिए, क्योंकि सफल होने के लिए आपको नए दोस्तों की जरूरत है और दोस्त इसलिए तो होते हैं ताकि वो आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकें। उनका भावनात्मक सहारा बहुत बहुत जरूरी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जैसी मानसिकता के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाए। आप एक दूसरे को सहारा दें और एक दूसरे को इस तरह निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें जिस तरह अमीर लोग करते हैं, उस तरह से नहीं जिस तरह गरीब लोग करते हैं। रॉबर्ट, अब आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग के चौथे फायदे के बारे में बताएं। फायदा नंबर 4 यानी अमीरों के निवेश में निवेश करना। और ज्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं कि अमीर और गरीब लोग अलग अलग तरीके के निवेशों पर पैसा लगाते हैं। जिन लोगों ने मेरा गेम कैश फ्लो देखा है वो जानते हैं कि इसमें दो रास्ते हैं, एक रैट रेस यानी चूहा दौड़ और दूसरा फास्ट ट्रैक यानी तेज रास्ता। चूहा दौड़ के रास्ते पर आम लोग चलते हैं, वो अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या औसत निवेश करते हैं, जबकि अमीर लोग कैश फ्लो के तेज रास्ते पर निवेश करते हैं, ऐसे रास्ते पर जिसमें आमदनी कई गुना हो सकती है। इसमें PIPL निवेशों में फ्रेंचाइजी भी शामिल है। US सिक्योरिटीज लॉ ये कहता है कि जब तक आप मिलियनेयर नहीं है तब तक आप तेज रास्ते पर निवेश नहीं कर सकते। तो दरअसल जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। और सरकार कहती है कि तेज रास्तों पर चलने के लिए आपके पास कम से कम $1 million होने चाहिए। भाई कानून है, वरना आप तेज रस्तों के निवेशों में पैसा नहीं लगा सकते। भाई कानून है। बहुत बढ़िया। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बढ़िया बात यह है कि अगर आप $1,000 की अतिरिक्त कमाई कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, ये आपका फैसला है। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको ढेर सारा पैसा कमाने के अलावा आपको अमीरों के निवेशों पर पैसा लगाने का मौका देता है। अगर आप किसी सिक्योरिटी अटॉर्नी से पूछें वो आपको बताएगा कि एक्रीडेटेड इन्वेस्टर की परिभाषा क्या होती है। वो ये है कि आपके पास एक साल में $2,00,000 से ज्यादा का कैश फ्लो हो। जब तक आप मिलियनेयर नहीं है तब तक आप उन निवेशों में पैसा नहीं लगा पाएंगे जिन पर अमीर लोग लगाते हैं, तो आप अपनी नौकरी में ही फंसे रह जाते हैं जहां आपको हर साल $1,50,000 मिलते हैं पर आप इनका सही निवेश नहीं कर पाते। तो इस तरह अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं क्योंकि उन्हें अमीरों के निवेशों में पैसा लगाने की छूट होती है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सफल हैं। वो निवेशकों के रूप में इससे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि उस जगह पर वो निवेश करते हैं जहां सिर्फ अमीर लोग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का चौथा बड़ा फायदा यह है कि ये आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेशों में पैसा लगाने का मौका देते हैं। मैं इसी जगह पर अपना पैसा लगाता हूं। नाइटिंगेल कॉनेंट का एक और बढ़िया टेप सेट है जिसे सुनने की सलाह मैं देना चाहूंगा। ये है सर जॉन टेम्पल्टन का द लॉज ऑफ इनर वेल्थ। सर जॉन टेम्पल्टन का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने टेम्पल्टन फंड स्थापित किया था। नाइटिंगेल कॉनेंट का ये टेप सेट उन लोगों के लिए है जो पैसे के आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं। पैसे के भौतिक महत्व को तो हम सभी जानते हैं पर जीतने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि निवेश करने और अमीर होने के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। सर जॉन टेम्पल्टन सचमुच महान है, वह सच्चे परामर्शदाता हैं और हमें ये टेप सेट जरूर जरूर सुनना चाहिए। सर जॉन टेम्पल्टन वो आदमी थे जिन्होंने अपने फंड से इस्तीफा दे दिया और अपने सारे पैसों को दान में दे दिया ताकि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का प्रचार जोरों शोरों से हो सके। तो सर जॉन टेम्पल्टन का टेप सुनने लायक है और ये नाइटिंगेल कॉन्वेंट की लाइब्रेरी में है। तो ये विचार हमें एक बार फिर फायदे नंबर 1 की तरफ ले जाता है। नाइटिंगेल कॉन्वेंट और कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की तारीफ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पैसा कमाने के अलावा यहाँ आपको आध्यात्मिक मूल्य भी सिखाए जाते हैं। मेरे अमीर डैडी कहते थे अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उदार बने। मैंने ये पाया कि ज्यादातर अमीर लोग उदारता के कारण अमीर बनते हैं, लोगों की सेवा करके। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने ही मदद करने का विचार दिल से निकाल दें, आप दूसरों की भी मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा। अपने लिए ही काम करना S या E क्वाड्रेंट की मानसिकता है। मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मुझे इसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जबकि बिजनेस मालिकों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको तब तक पैसे नहीं मिलते जब तक आप दूसरों की मदद ना करें। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी सिर्फ तभी अमीर बन सकता है जब वो दूसरों को अमीर बनने में मदद करे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये एक बढ़िया बात है कि ये लोगों को उदारता का सच्चा अर्थ समझाता है और उदारता के माध्यम से अमीर होना सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का 5वां फायदा,
क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा नंबर 5 ये है कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं और उन्हें सच नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया है, मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में आपके सपनों की हत्या कर दी जाती है, चाहे वो हत्या आप खुद करें या आपके दोस्त। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके आसपास सकारात्मक लोग रहते हैं जो आपके सपनों को सच होते देखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वो आपको सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो समर्पित होते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी का कहना था, अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका उदार होना है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक दूसरे लोगों को आप अमीर बनने में मदद नहीं करें। तो इसलिए मैंने कहा कि सपनों की हत्या न करें। तुम ये नहीं खरीद सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम जरूर असफल हो जाओगे, और इस तरह की फालतू बातें करना। असली जिंदगी में आपके आसपास अक्सर ऐसे ही नकारात्मक लोग होते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में सकारात्मक लोग आपके सपनों को सच करना चाहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, अगर आपके पास सपने नहीं हैं, तो फिर आप जिंदा क्यों हैं? अगर आपके पास ये आशा नहीं है कि आने वाला कल एक बेहतर दिन होगा, आज से बढ़िया होगा या ज्यादा अमीर बनने वाला होगा, तो फिर जिंदा रहने से क्या फायदा? मेरा मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पुराने घर में, अपनी पुरानी कार में ही खुश हैं, और वो सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया या आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वो खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप में बेहद अमीर बनने की क्षमता है, तो क्यों ना अमीर बना जाए। और यही नेटवर्क बिजनेस आपको मुझे एक औसत आदमी को सिखाता है, और मैं इसलिए इसमें शामिल होने की सलाह देता हूं। मेरे गरीब डैडी कहा करते थे कि हमें सपने इसलिए नहीं देखने चाहिए क्योंकि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास डिज्नीलैंड जाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे अमीर डैडी का कहना था कि अपने सपनों को मत गवाओ, क्योंकि अगर आपका सपना आपके हाथ से चला गया, तो फिर जिंदगी जीने लायक ही नहीं रह जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, पर ये हमारे जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित जरूर करता है। दूसरे शब्दों में पैसों का आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर परिवारों में ज्यादातर लड़ाइयां पैसों के ही कारण होती है। तो पैसा हालांकि दुनिया में सब कुछ नहीं है, फिर भी ये हमारे जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित करता है, और इसलिए सपनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि मैं भी गरीब रहा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं और मेरी पत्नी 3 हफ्तों तक बेघर हो गए थे। उन दिनों हम लोग बहुत दुखी थे, हम में ज्यादा झगड़े होते थे और हम में ज्यादा तनाव रहता था। गरीबी के उस अनुभव ने हमें मजबूत बना दिया, और 15 साल बाद हम लोग एक दूसरे के दीवाने हैं, क्योंकि उस अनुभव ने हमें न सिर्फ मजबूत बनाया है बल्कि ज्यादा अमीर भी बनाया है। आज हम एक दूसरे से इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं कहना पड़ता कि हम किसी चीज को खरीद नहीं सकते, या हम इस पर पैसा नहीं लगा सकते, या हम इस चीज पर खर्च नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कोई चीज खरीदना चाहें और उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। आज मुझ में जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, शांति और खुशी की भावनाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण है अमीरी। तो आप ना तो अपने सपनों की खुद हत्या करें, ना ही दूसरों को ऐसा करने दें, क्योंकि सपने ही जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। इसके अलावा अमीर बनने के बाद आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां आप ज्यादा सपने देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पैसों की कोई समस्या ही नहीं होती। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप अपने सपनों को सच कर लेते हैं, तो फिर आप और बड़े सपने देखने लगते हैं। इस बात का नई कार या नए कपड़ों से कोई संबंध नहीं है, ये बेवकूफी की बात है। मुझे सैकड़ों नई घड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक समय पर केवल एक ही घड़ी पहन सकता हूं। अमीर बनने के बाद मैं इस काबिल हो पाया हूं कि अपने साथी इंसानों की मैं ज्यादा सेवा कर सकूं। अभी हम इंटरनेट पर एक वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें कैश फ्लो 101 को ऑनलाइन गेम के रूप में शुरू कर रहे हैं, ताकि लोग ये सीख सके कि अमीर कैसे बना जाए। इस वेबसाइट पर जिम्बाब्वे का कोई बच्चा न्यूयॉर्क या इंडिया के किसी बच्चे के साथ गेम खेल सकता है। पहली बार मैं करोड़ों लोगों को यह सिखा सकता हूं कि अमीर कैसे बना जाता है, उन लोगों को जो नौकरी के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा करके मुझे
खुशी होती है और मैं ये सब बिना अमीर हुए नहीं कर सकता था। यही सपने देखने की शक्ति है और मेरे ख्याल से मेरे इस सपने को हकीकत बनाने के लिए जिम्मेदार था नाइटिंगेल कॉन्वेंट का ये टेप सेट मेकिंग मनी ऑन द वेब। ये टेप सेट हमें सिखाता है कि किस तरह अमीरों की तरह दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क वर्ल्ड वाइड वेब पर पैसा कमाया जा सकता है। ये बहुत शानदार टेप सेट है और हालांकि मुझे लगता था कि मुझे बिजनेस के बारे में सब कुछ मालूम है, पर मुझे बहुत कुछ सीखना था। फायदे नंबर 6 यानी नेटवर्क के फायदे के बारे में बताएं। ओके, जो लोग बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा फायदा है। इसका कारण है कि ज्यादातर लोगों को नेटवर्क की पैसे कमाने की ताकत का अंदाजा नहीं होता। मेटकॉफ के नियमों का कहना है कि नेटवर्क की ताकत नेटवर्क में शामिल लोगों के स्क्वायर के बराबर होती है। मैं इसे विस्तार में समझाना चाहूंगा। सालों पहले जब मैं जेरोक्स फैक्स मशीनें बेचा करता था तब फैक्स मशीन्स आज की तरह लोकप्रिय नहीं थी। उस समय इनके बारे में कोई नहीं जानता था। मैं जिस आदमी के पास फैक्स मशीनें बेचने जाता था वो मुझसे यही पूछता था कि ये और किस किस के पास है, और मुझे कहना पड़ता था हम इसे और लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फैक्स मशीन तब तक किसी काम की नहीं थी जब तक किसी और के पास दूसरी फैक्स मशीन ना हो, और यही नेटवर्क की शक्ति है। क्योंकि अगर नेटवर्क में एक ही व्यक्ति है तो उसकी शक्ति भी एक ही है, पर अगर नेटवर्क में दो लोग आ जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़कर 4 हो जाती है। अगर 3 लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाता है, और अगर 4 लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर 16 हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि मेटकॉफ के नियम के कारण ही वो बेहद तेजी से बढ़ती है। आप अकेले कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का परिणाम घंटों के हिसाब से मिलता है, जबकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये मान लेते हैं कि 5 साल की मेहनत के बाद आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक शक्ति 10² यानी 10 × 10 = 100 हो जाती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बेहद अमीर बन जाते हैं और लोगों को लगता है कि वो रातों रात अमीर बन गए हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है। हर दिन वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उनके नीचे 10 लोग हैं, उनमें से हर आदमी के नीचे 10 लोग हैं, इस तरह उनके नीचे कुल 110 लोग हो जाते हैं। इसी छलांग के कारण नेटवर्क शब्द, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द इतना शक्तिशाली शब्द बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेटकॉफ के नियम का पालन करता है। हर नए आदमी को जोड़ने से आपकी आर्थिक शक्ति लीनियर नहीं बल्कि क्वांटम तरीके से बढ़ती है, और इसलिए नेटवर्क का मूल्य भी तेजी से बढ़ता है। आप हमेशा ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से क्या संबंध है? पुरानी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक युग में गोल्डन रूल था, कड़ी मेहनत करो, पर क्योंकि आप अकेले ही कड़ी मेहनत करते थे इसलिए पुरानी अर्थव्यवस्था में आपकी आर्थिक शक्ति एक होती थी। नई अर्थव्यवस्था में आप नेटवर्क के माध्यम से मेहनत करते हैं इसलिए आपकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के इंफॉर्मेशन एज में अमीर बनना ज्यादा आसान है। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, पर इसके लिए उन्हें काफी पैसा लगाना पड़ा था, बहुत से स्मार्ट लोगों की मदद लेनी पड़ी थी और फैक्ट्रियां लगानी पड़ी थी। और आप जानते हैं कि बिजनेस में कितनी तरह की चीजों की जरूरत होती है। नई अर्थव्यवस्था में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कम पैसे लगाकर ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थापक जॉन्टी रॉकफेलर को देखें, जिन्हें बिलियनेयर बनने में लगभग 15 साल लगे। 80 के दशक में बिल गेट्स को 10 साल लगे और 1985-86 में माइकल डेल को बिलियनेयर बनने में सिर्फ 5 साल लगे। जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उनके पास कोई लिवरेज नहीं होता, क्योंकि वो उसी पुरानी अर्थव्यवस्था के विचार में फंसे रहते हैं, कड़ी मेहनत करो। नई अर्थव्यवस्था के लोग यानी वो लोग जो नेटवर्क की शक्ति को समझते हैं और नेटवर्क से जुड़ते हैं, वो लोग ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं और आर्थिक रूप से ज्यादा आजाद हो सकते हैं। ये नई अर्थव्यवस्था की शक्ति है। हम नई अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, हम एक नए यथार्थ में रह रहे हैं, पर फिर भी डर के कारण कुछ लोग आज भी औद्योगिक युग के विचारों में फंसे हुए हैं। जब कंप्यूटर आए तो नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व और बढ़ गया। दूसरे शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क से जुड़ सके। तो अगर आप आज भी ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत करो तो आप अब भी पुरानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और दुर्भाग्य से आप पीछे रह गए हैं। आप अपनी कर्मचारी वाली मानसिकता को छोड़कर एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू कर दें, क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में सोचने का यही तरीका है। जो हमें पॉइंट नंबर 7 यानी फायदा नंबर 7 की तरफ ले जाता है,
अपना यथार्थ तय करना। हाँ, रियलिटी या यथार्थ, बहुत ही दिलचस्प शब्द है ना। मेरे अम्मी डैडी कहा करते थे कि आप जिसे यथार्थ समझते हैं वही आपका यथार्थ बन जाता है। अगर आप कहते हैं कि निवेश करना खतरनाक है तो ये आपके लिए सचमुच खतरनाक बन सकता है। फिर आप निवेश करके पैसे नहीं कमा सकते। जब आप इसे खतरनाक मानने लगते हैं तो आप इसी तरह के विचारों को आकर्षित करेंगे और इस तरह का माहौल बना लेंगे कि निवेश आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। मैं ये नहीं मानता कि निवेश खतरनाक होता है। मैं ये भी नहीं मानता कि बिजनेस खतरनाक होता है। मैं ये सोचता हूं कि 9 से 5 की नौकरी करना, अपने काम के चंगुल में फंसे रहना खतरनाक होता है। ये वो जीवन मूल्य है जिनके अनुसार हम बड़े होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा था या हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया है या हमें किस तरह के अनुभव हुए हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि पुरानी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत अब बेमानी हो चुके हैं। नौकरियों की सुरक्षा अब खत्म हो गई है, वफादारी खत्म हो चुकी है। लोग और ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं पर अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे। उन पर पहले से ज्यादा टैक्स लग रहा है। अगर आप अपने जीने का तरीका बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब आपके सोचने का तरीका बदलेगा तभी आप यथार्थ भी बदलेंगे और कई नेटवर्क कंपनियां यही करने के लिए बनाई गई हैं, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। क्योंकि बदलने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई मार्गदर्शक होना जरूरी है। इससे मुझे अपने निजी जीवन मूल्यों को बदलने में मदद मिलती है और अपने सोच को भी बदलने में मदद मिलती है। मुझे लगता है कि हम अपने मूलभूत जीवन मूल्यों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल फेंकते बल्कि हम और नए जीवन मूल्यों को सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई गरीब रहना चाहता हो। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई ये चाहता हो कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। हो सकता है कि उनमें अपने जंजीरें तोड़ने का साहस ना हो, पर अगर आप बदल जाते हैं तो उसके बाद आप उन्हें समर्थन देकर उन्हें बदलने में मदद कर सकते हैं। काम की सुरक्षा या नौकरी की गारंटी को जकड़े रहना खतरनाक है। सरकार या कंपनी आपके बुढ़ापे का ख्याल रखेंगी ये सोचना भी बेवकूफी है। जमाना बदल चुका है और हमें भी जमाने के साथ साथ बदल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये आती है कि बहुत सारे लोग आपका हौसला पस्त कर देते हैं। आप जब मैदान में उतरते हैं तो लोग आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपकी हूटिंग करते हैं। इसका कारण यह है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। यही लीडरशिप की कला का लाभ है कि यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किलें झेलने की हिम्मत देती है। यही आपका पॉइंट नंबर 8 यानी फायदा नंबर 8 है। नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा हमें फायदा नंबर 8 में मिलता है, यानी लीडरशिप कला का फायदा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आप में लीडरशिप की कला होनी चाहिए। आपको एक एंटरप्रेनर बनना होगा। आप बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों की तरफ देखें, वो अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। उनमें लीडरशिप की क्षमता है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कि लोग उनकी कितनी बुराइयां करते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं और इसलिए वो महान लीडर कहलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपको लीडर बनना होगा। इसलिए जब 1974 में मैं पहली बड़ी एजुकेशनल रैली में गया तो मैं जिस नए किस्म की शिक्षा की तलाश कर रहा था वो मुझे उस टेप सेट से मिली जिसका नाम था लीड द फील्ड। अर्ल नाइटिंगेल के इस टेप सेट से मुझे लीडरशिप की कला सीखने को मिली। इसके अलावा जिस एक और टेप सेट ने मुझे इस बारे में काफी मदद की वो था टोनी अलेक्जेंड्रा का 10 क्वालिटीज ऑफ कैरिज्मेटिक पीपल। दोनों ही टेप सेट नाइटिंगेल कॉन्वेंट के हैं। आपको सफल होने के लिए लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप को बदलना होगा और आपको अतीत को छोड़ने का साहस लेना पड़ेगा, तभी आप नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और नाइटिंगेल कॉन्वेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपको ई और एस क्वाड्रेंट के बाहर निकलने में मदद करती हैं और आई क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो रॉबर्ट, आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य उज्जवल है और ये आगे और तेजी से विकसित होगा? मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और ये आगे और ज्यादा और भी तेजी से विकसित होगा। इसका पहला कारण ये है कि लोग सुरक्षा की जाल को समझ चुके हैं। कई लोग अब भी कहते हैं मैं सुरक्षित नौकरी तलाश रहा हूं। नींद से जाग जाओ भैया, क्योंकि सुरक्षित नौकरियों का युग अब खत्म हो गया है। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का विचार बना रहे हो तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने दिन की नौकरी करते रहें और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। इसमें मानसिक समझदारी तो है ही, इसमें टैक्स बचाने की भी समझदारी है, क्योंकि जिस पल आप अपना घरेलू बिजनेस शुरू करते हैं आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, क्योंकि
सरकार ये चाहती है कि लोग अपना बिजनेस शुरू करें, इसलिए बी क्वाड्रेंट के लोग कम टैक्स देते हैं और ई या एस क्वाड्रेंट के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए वो है हमारी आजादी। दूसरा कारण जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो इससे लोगों के पास अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। नौकरियों की सुरक्षा बची नहीं है, रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा अब कंपनी या सरकार का नहीं रह गया है। अब कंपनियां साफ कह देती हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लें। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सभी देशों में हो रहा है और ये 70 के दशक से शुरू हो चुका है। अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कंपनियां इस जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर चुकी हैं। अब ये कर्मचारियों की खुद की जिम्मेदारी है और इसलिए कर्मचारियों को खुद ही योजना बनानी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी क्योंकि ज्यादातर लोग जान चुके हैं कि अपनी आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक भविष्य के लिए स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठना मूर्खता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया के इतिहास में पहले कभी इतने ज्यादा लोगों ने स्टॉक मार्केट में आर्थिक भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जितने की आज के लोग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कभी बूम होता है और स्टॉक मार्केट कभी क्रैश होता है। आपका क्या होगा अगर आप 80 साल के हैं और स्टॉक मार्केट के क्रैश होते होते आपका जीवन भी क्रैश हो जाता है। अब आप नए सिरे से कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते, इसलिए अच्छी तरह सोच विचार कर ले। मेरी समझ से तो यही ठीक रहेगा कि लोग अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लें या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाएं। इस तरह वो अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकेंगे, उनके पास ऐसे दोस्त होंगे जिन पर वो भरोसा कर सकें। अभी तो अपनी कंपनियों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खड़ा कर लें क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। तो रॉबर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग शिक्षा और एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कहना चाहते हैं कि इन सभी का उद्देश्य है कि लोग अपनी जिंदगी बदल लें। बिल्कुल, हमने ये प्रोडक्ट इसलिए बनाया है ताकि इस इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों का हम समर्थन कर सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बिजनेस के बाहर से आया हूं और एक बार मैंने इस बिजनेस से मुंह मोड़ लिया था। शायद इसलिए मेरी बातों से लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितने फायदे का बिजनेस है। रॉबर्ट, अंत में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी है और वो एक फैसला करना चाहती है। क्या आप जल्दी से हमें उन बिल्लियों की कहानी सुनाएंगे? श्योर। सालों पहले मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी हुई हैं और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि मान लो कि 2 ने कूदने का फैसला कर लिया है तो अब फेंस पर कितनी बिल्लियां बची हैं, और मैंने जवाब दिया 1। पर मेरे अमीर डैडी ने कहा नहीं, वहां अब भी 3 बिल्लियां हैं। फैसला करने का ये मतलब नहीं कि वो फेंस पर से कूद गई हैं, और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वो फैसला कर लेते हैं पर वो कभी भी छलांग नहीं लगा पाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि आपके पास नए दोस्त होते हैं, वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप कुछ हटकर करें और अपनी किस्मत को बदल लें। हो सकता है वो आपको मजबूर न करें पर वो आपको पूरी ताकत से प्रोत्साहित जरूर करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक आदमी फेंस पर से कूदे। फेंस पर से कूदने के बाद आपके लिए काफी समर्थन मौजूद रहता है। मेरे उद्योग यानी नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग और नाइटिंगेल कॉन्वेंट में बहुत से लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मुझे नाइटिंगेल कॉन्वेंट का पता तभी चला जब मैं फेंस पर से कूद गया, जब मैंने पहला कदम उठा लिया। मैं आप सभी को यही सलाह देता हूं कि जब आप पहला कदम उठा लेंगे, जब आप छलांग लगा लेंगे, तब आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने में आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। आप जिंदगी को नए अंदाज में जी सकेंगे, आप नई तरह से सोच सकेंगे। मेरी वेबसाइट richdad.com पर हमने आपकी मदद के लिए कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रखी हैं। हमारे पास महान शिक्षकों और महान परामर्शदाताओं की बहुत बड़ी और बढ़िया लाइब्रेरी है। मेरे गरीब डैडी का यह मानना था कि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया काम होती है। जब मैं अपने अमीर डैडी के बताए पहले कदम पर चला और सेल्समैन लाइन में काम ढूंढ लिया तो मेरे गरीब माता पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कोई अपराधी बन गया था और मैंने कोई बुरा काम कर लिया था। उन्होंने कहा तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, हम लोगों का परिवार बुद्धिजीवी है जबकि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया कौम है। तब मैंने अपने गरीब डैडी से कहा दुनिया के महानतम नेता दरअसल महान सेल्समैन होते हैं।
रोनल्ड रीगन को देखें, जिन्हें बहुत अच्छा वक्ता समझा जाता है, वहीं जॉन कैनेडी ने लोगों की सोच बदल दी और दुनिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने 10 साल से भी कम समय में इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। यही महान सेल्समैन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सेल्समैन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता सेल्समैन होते हैं और महानतम धार्मिक नेता भी, क्योंकि उनमें लोगों की जिंदगी बदलने की हिम्मत और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। 1974 में जब मैंने फेंस पर से कूदने का निर्णय लिया तो मैं अपने गरीब डैडी की सलाह पर नहीं चला। मैंने सुरक्षित नौकरी की तलाश नहीं की, इसके बजाय मैं जेरोक्स कॉरपोरेशन में नौकरी करने लगा, क्योंकि वहां मुझे बेचने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और ज्यादातर लोग बेचना इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते हैं। मैं अब भी रिजेक्शन से नफरत करता हूं, पर मैंने बेचने की कला सीख ली है। और सबसे महत्वपूर्ण सेल्स जॉब जो आप करते हैं वो आप खुद के साथ करते हैं। हर सुबह जब आप उठकर जिम जाने के बारे में ये सोचते हैं कि आज जिम जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, उसी पल आपकी सेल्समैनशिप शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे खुद को जिम ले जाने का फैसला करना चाहिए, आज मैं किसी भी तरह से जिम जाऊंगा। और इस तरह सेल्स की शुरुआत होती है। हमारा उद्देश्य आपको समर्थन देना है। एक बार आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लें, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं, तो फिर आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से लोग आपके समर्थन के लिए आ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि ये आपको शिक्षित करता है, आपको अलग तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है, ये आपको न सिर्फ भविष्य के प्रति नई राह दिखाता है बल्कि ये जिंदगी को देखने का अपना नजरिया भी बदल देता है। इसकी वजह से आपके जीवन पर आपका नियंत्रण होता है और आपको नए दोस्त मिलते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद अपनी बाकी जिंदगी के लिए आप आर्थिक रूप से आजाद रह सकते हैं और आपको पूरी जिंदगी नौकरी की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहती। पहली बार इतने सारे लोगों के लिए उसी शक्ति का मार्ग खुला है जिस पर अमीर लोग चला करते हैं, और यह मार्ग है नेटवर्क की शक्ति का मार्ग। अब यह आप पर है कि आप कब अपना यह पहला कदम बढ़ाते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का समर्थन इसीलिए करता हूं क्योंकि यहां मुझे बिजनेस एजुकेशन मिलती है। मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट और नाइटिंगेल कॉन्वेंट के प्रोडक्ट्स की तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मुझे वर्षों तक मार्गदर्शन दिया है और मेरी मदद की है। इसी कारण मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 साल तक ही नौकरी की। मैं आर्थिक रूप से आजाद हो सका क्योंकि मेरे पास शिक्षा थी, क्योंकि मेरे पास अमीर डैडी का मार्गदर्शन था। आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पैसे कमाने की शक्ति और इसके दूसरे फायदों को समझ लें। मैं यही चाहूंगा कि आपके सपने सच हों और आपका जीवन भी सफल हो। आप सभी को ये कैसेट सुनने के लिए और मेरी किताब पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद रॉबर्ट। धन्यवाद। आज हम रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी से नेटवर्क मार्केटिंग के 8 फायदों पर चर्चा कर रहे थे। सुनने के लिए धन्यवाद। ये नहीं सोचा कि हम वापस ई और एस कोऑर्डिनेट में लौट जाएं। हालांकि आप जानते हैं कि हम दिवालिया हो चुके थे और दुनिया हम पर हंसती थी। इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। 10 साल बाद लैरी क्लार्क इंक मैगजीन का एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर चुना गया। उसे सबसे तेजी से विकसित हो रहे होम बिल्डर का खिताब दिया गया। मैं रिच डैड पुअर डैड का बेस्ट सेलिंग लेखक बन गया। लैरी क्लार्क के बिना मैं सफल नहीं हो सकता था, या मेरी पत्नी के बिना जो मेरे बिजनेस में मेरी पार्टनर है। मेरी पत्नी बहुत ही शानदार महिला है और मैं जानता हूं कि उसने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। जब हम मिले थे तब मेरे पास पैसे थे ही नहीं, हमारे पास केवल एक सपना था और आगे बढ़ने का एक हौसला। हालांकि हमारे पास सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि बिना इतनी बढ़िया पत्नी और इतने अच्छे दोस्तों के बिना मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता। मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ जाना चाहिए, क्योंकि सफल होने के लिए आपको नए दोस्तों की जरूरत है और दोस्त इसलिए तो होते हैं ताकि वो आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकें। उनका भावनात्मक सहारा बहुत बहुत जरूरी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जैसी मानसिकता के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाए। आप एक दूसरे को सहारा दें
करें और एक दूसरे को इस तरह निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें जिस तरह अमीर लोग करते हैं, उस तरह से नहीं जिस तरह गरीब लोग करते हैं। रॉबर्ट, अब आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग के चौथे फायदे के बारे में बताएं। फायदा नंबर 4 यानी अमीरों के निवेश में निवेश करना। और ज्यादातर लोग तो ये जानते ही नहीं कि अमीर और गरीब लोग अलग अलग तरीके के निवेशों पर पैसा लगाते हैं। जिन लोगों ने मेरा गेम कैश फ्लो देखा है वो जानते हैं कि इसमें दो रास्ते हैं, एक रैट रेस यानी चूहा दौड़ और दूसरा फास्ट ट्रैक यानी तेज रास्ता। चूहा दौड़ के रास्ते पर आम लोग चलते हैं, वो अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या औसत निवेश करते हैं, जबकि अमीर लोग कैश फ्लो के तेज रास्ते पर निवेश करते हैं, ऐसे रास्ते पर जिसमें आमदनी कई गुना हो सकती है। इसमें PIPL निवेशों में फ्रेंचाइजी भी शामिल है। US सिक्योरिटीज लॉ ये कहता है कि जब तक आप मिलियनेयर नहीं है तब तक आप तेज रास्ते पर निवेश नहीं कर सकते। तो दरअसल जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। और सरकार कहती है कि तेज रास्तों पर चलने के लिए आपके पास कम से कम $1 million होने चाहिए। भाई कानून है, वरना आप तेज रस्तों के निवेशों में पैसा नहीं लगा सकते। भाई कानून है। बहुत बढ़िया। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बढ़िया बात यह है कि अगर आप $1,000 की अतिरिक्त कमाई कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, ये आपका फैसला है। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको ढेर सारा पैसा कमाने के अलावा आपको अमीरों के निवेशों पर पैसा लगाने का मौका देता है। अगर आप किसी सिक्योरिटी अटॉर्नी से पूछें वो आपको बताएगा कि एक्रीडेटेड इन्वेस्टर की परिभाषा क्या होती है। वो ये है कि आपके पास एक साल में $2,00,000 से ज्यादा का कैश फ्लो हो। जब तक आप मिलियनेयर नहीं है तब तक आप उन निवेशों में पैसा नहीं लगा पाएंगे जिन पर अमीर लोग लगाते हैं, तो आप अपनी नौकरी में ही फंसे रह जाते हैं जहां आपको हर साल $1,50,000 मिलते हैं पर आप इनका सही निवेश नहीं कर पाते। तो इस तरह अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं क्योंकि उन्हें अमीरों के निवेशों में पैसा लगाने की छूट होती है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सफल हैं। वो निवेशकों के रूप में इससे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि उस जगह पर वो निवेश करते हैं जहां सिर्फ अमीर लोग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का चौथा बड़ा फायदा यह है कि ये आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेशों में पैसा लगाने का मौका देते हैं। मैं इसी जगह पर अपना पैसा लगाता हूं। नाइटिंगेल कॉनन का एक और बढ़िया टेप सेट है जिसे सुनने की सलाह मैं देना चाहूंगा। ये है सर जॉन टेम्पल्टन का द लॉज ऑफ इनर वेल्थ। सर जॉन टेम्पल्टन का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने टेम्पल्टन फंड स्थापित किया था। नाइटिंगेल कॉनन का ये टेप सेट उन लोगों के लिए है जो पैसे के आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं। पैसे के भौतिक महत्व को तो हम सभी जानते हैं पर जीतने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि निवेश करने और अमीर होने के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। सर जॉन टेम्पल्टन सचमुच महान है, वह सच्चे परामर्शदाता है और हमें ये टेप सेट जरूर जरूर सुनना चाहिए। सर जॉन टेम्पल्टन वो आदमी थे जिन्होंने अपने फंड से इस्तीफा दे दिया और अपने सारे पैसों को दान में दे दिया ताकि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का प्रचार जोरों शोरों से हो सके। तो सर जॉन टेम्पल्टन का टेप सुनने लायक है और ये नाइटिंगेल कॉन्वेंट की लाइब्रेरी में है। तो ये विचार हमें एक बार फिर फायदे नंबर 1 की तरफ ले जाता है। नाइटिंगेल कॉन्वेंट और कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की तारीफ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पैसा कमाने के अलावा यहाँ आपको आध्यात्मिक मूल्य भी सिखाए जाते हैं। मेरे अमीर डैडी कहते थे अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उदार बने। मैंने ये पाया कि ज्यादातर अमीर लोग उदारता के कारण अमीर बनते हैं, लोगों की सेवा करके। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने ही मदद करने का विचार दिल से निकाल दें, आप दूसरों की भी मदद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा। अपने लिए ही काम करना S या E क्वाड्रेंट की मानसिकता है। मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मुझे इसके बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जबकि बिजनेस मालिकों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको तब तक पैसे नहीं मिलते जब तक आप दूसरों की मदद ना करें। ये एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग का आदमी सिर्फ तभी अमीर बन सकता है जब वो दूसरों को अमीर बनने में मदद करे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये एक बढ़िया बात है कि ये लोगों को उदारता का सच्चा अर्थ समझाता है और उदारता के माध्यम से अमीर होना सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का पांचवा फायदा क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा नंबर 5 ये है कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं और उन्हें सच नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया है मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में आपके सपनों की हत्या कर दी जाती है, चाहे वो हत्या आप खुद करें या आपके दोस्त। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके आसपास सकारात्मक लोग रहते हैं जो आपके सपनों को सच होते देखना चाहते हैं।
दूसरे शब्दों में वो आपको सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो समर्पित होते हैं। जैसे मेरे अमीर डैडी का कहना था, अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका उदार होना है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक दूसरे लोगों को आप अमीर बनने में मदद नहीं करें। तो इसलिए मैंने कहा कि सपनों की हत्या न करें। तुम ये नहीं खरीद सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम जरूर असफल हो जाओगे, और इस तरह की फालतू बातें करना। असली जिंदगी में आपके आसपास अक्सर ऐसे ही नकारात्मक लोग होते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में सकारात्मक लोग आपके सपनों को सच करना चाहते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, अगर आपके पास सपने नहीं हैं, तो फिर आप जिंदा क्यों हैं? अगर आपके पास ये आशा नहीं है कि आने वाला कल एक बेहतर दिन होगा, आज से बढ़िया होगा या ज्यादा अमीर बनने वाला होगा, तो फिर जिंदा रहने से क्या फायदा? मेरा मतलब है कि कई लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पुराने घर में, अपनी पुरानी कार में ही खुश हैं, और वो सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया या आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि वो खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप में बेहद अमीर बनने की क्षमता है तो क्यों ना अमीर बना जाए, और यही नेटवर्क बिजनेस आपको मुझे एक औसत आदमी को सिखाता है, और मैं इसलिए इसमें शामिल होने की सलाह देता हूं। मेरे गरीब डैडी कहा करते थे कि हमें सपने इसलिए नहीं देखने चाहिए क्योंकि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास डिज्नीलैंड जाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे पास बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे अमीर डैडी का कहना था कि अपने सपनों को मत गवाओ, क्योंकि अगर आपका सपना आपके हाथ से चला गया तो फिर जिंदगी जीने लायक ही नहीं रह जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, पर यह हमारे जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित जरूर करता है। दूसरे शब्दों में पैसों का आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर परिवारों में ज्यादातर लड़ाइयां पैसों के ही कारण होती है। तो पैसा हालांकि दुनिया में सब कुछ नहीं है, फिर भी ये हमारे जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को प्रभावित करता है, और इसलिए सपनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि मैं भी गरीब रहा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं और मेरी पत्नी 3 हफ्तों तक बेघर हो गए थे। उन दिनों हम लोग बहुत दुखी थे, हम में ज्यादा झगड़े होते थे और हम में ज्यादा तनाव रहता था। गरीबी के उस अनुभव ने हमें मजबूत बना दिया, और 15 साल बाद हम लोग एक दूसरे के दीवाने हैं, क्योंकि उस अनुभव ने हमें न सिर्फ मजबूत बनाया है बल्कि ज्यादा अमीर भी बनाया है। आज हम एक दूसरे से इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि हमें यह नहीं कहना पड़ता कि हम किसी चीज को खरीद नहीं सकते, या हम इस पर पैसा नहीं लगा सकते, या हम इस चीज पर खर्च नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कोई चीज खरीदना चाहें और उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। आज मुझ में जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, शांति और खुशी की भावनाएं हैं, उनका एक बहुत बड़ा कारण है अमीरी। तो आप ना तो अपने सपनों की खुद हत्या करें, ना ही दूसरों को ऐसा करने दें, क्योंकि सपने ही जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। इसके अलावा अमीर बनने के बाद आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां आप ज्यादा सपने देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पैसों की कोई समस्या ही नहीं होती। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप अपने सपनों को सच कर लेते हैं तो फिर आप और बड़े सपने देखने लगते हैं। इस बात का नई कार या नए कपड़ों से कोई संबंध नहीं है, ये बेवकूफी की बात है। मुझे सैकड़ों नई घड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक समय पर केवल एक ही घड़ी पहन सकता हूँ। अमीर बनने के बाद मैं इस काबिल हो पाया हूँ कि अपने साथी इंसानों की मैं ज्यादा सेवा कर सकूं। अभी हम इंटरनेट पर एक वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें कैश फ्लो 101 को ऑनलाइन गेम के रूप में शुरू कर रहे हैं, ताकि लोग ये सीख सके कि अमीर कैसे बना जाए। इस वेबसाइट पर जिम्बाब्वे का कोई बच्चा न्यूयॉर्क या इंडिया के किसी बच्चे के साथ गेम खेल सकता है। पहली बार मैं करोड़ों लोगों को ये सिखा सकता हूँ कि अमीर कैसे बना जाता है, उन लोगों को जो नौकरी के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा करके मुझे खुशी होती है, और मैं ये सब बिना अमीर हुए नहीं कर सकता था। यही सपने देखने की शक्ति है, और मेरे ख्याल से मेरे इस सपने को हकीकत बनाने के लिए जिम्मेदार था नाइटिंगेल कॉन्वेंट का ये टेप सेट, मेकिंग मनी ऑन द वेब। ये टेप सेट हमें सिखाता है कि किस तरह अमीरों की तरह दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क वर्ल्ड वाइड वेब पर पैसा कमाया जा सकता है। ये बहुत शानदार टेप सेट है, और हालांकि मुझे लगता था कि मुझे बिजनेस के बारे में सब कुछ मालूम है, पर मुझे बहुत कुछ सीखना था। फायदे नंबर 6, यानी नेटवर्क के फायदे के बारे में बताएं। ओके,
जो लोग बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा फायदा है। इसका कारण है कि ज्यादातर लोगों को नेटवर्क की पैसे कमाने की ताकत का अंदाजा नहीं होता। मिटकॉफ के नियमों का कहना है कि नेटवर्क की ताकत नेटवर्क में शामिल लोगों के स्क्वायर के बराबर होती है। मैं इसे विस्तार में समझाना चाहूंगा। सालों पहले जब मैं जेरोक्स फैक्स मशीनें बेचा करता था तब फैक्स मशीन आज की तरह लोकप्रिय नहीं थी। उस समय इनके बारे में कोई नहीं जानता था। मैं जिस आदमी के पास फैक्स मशीनें बेचने जाता था वो मुझसे यही पूछता था कि ये और किस किस के पास है, और मुझे कहना पड़ता था हम इसे और लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और फैक्स मशीन तब तक किसी काम की नहीं थी जब तक किसी और के पास दूसरी फैक्स मशीन ना हो। और यही नेटवर्क की शक्ति है, क्योंकि अगर नेटवर्क में एक ही व्यक्ति है तो उसकी शक्ति भी एक ही है, पर अगर नेटवर्क में दो लोग आ जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़कर चार हो जाती है। अगर तीन लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर नौ हो जाता है, और अगर चार लोग जुड़ जाते हैं तो इसका आर्थिक मूल्य बढ़कर सोलह हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि मेटकॉफ के नियम के कारण ही वो बेहद तेजी से बढ़ती है। आप अकेले कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अपनी मेहनत का परिणाम घंटों के हिसाब से मिलता है, जबकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये मान लेते हैं कि पांच साल की मेहनत के बाद आपके नीचे दस लोग काम कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक शक्ति 10² यानी 10 × 10 बराबर 100 हो जाती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग बेहद अमीर बन जाते हैं और लोगों को लगता है कि वो रातों रात अमीर बन गए हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है। हर दिन वो अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, उनके नीचे 10 लोग हैं, उनमें से हर आदमी के नीचे 10 लोग हैं, इस तरह उनके नीचे कुल 110 लोग हो जाते हैं। इसी छलांग के कारण नेटवर्क शब्द, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द इतना शक्तिशाली शब्द बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मेटकॉफ के नियम का पालन करता है। हर नए आदमी को जोड़ने से आपकी आर्थिक शक्ति लीनियर नहीं बल्कि क्वांटम तरीके से बढ़ती है, और इसलिए नेटवर्क का मूल्य भी तेजी से बढ़ता है। आप हमेशा ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इसका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से क्या संबंध है? पुरानी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था यानी औद्योगिक युग में गोल्डन रूल था, कड़ी मेहनत करो, पर क्योंकि आप अकेले ही कड़ी मेहनत करते थे इसलिए पुरानी अर्थव्यवस्था में आपकी आर्थिक शक्ति एक होती थी। नई अर्थव्यवस्था में आप नेटवर्क के माध्यम से मेहनत करते हैं इसलिए आपकी आर्थिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के इंफॉर्मेशन एज में अमीर बनना ज्यादा आसान है। उदाहरण के तौर पर हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, पर इसके लिए उन्हें काफी पैसा लगाना पड़ा था, बहुत से स्मार्ट लोगों की मदद लेनी पड़ी थी और फैक्ट्रियां लगानी पड़ी थी। और आप जानते हैं कि बिजनेस में कितनी तरह की चीजों की जरूरत होती है। नई अर्थव्यवस्था में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कम पैसे लगाकर ज्यादा कमा सकते हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो आप स्टैंडर्ड ऑयल के संस्थापक जॉन टी रॉकफेलर को देखें, जिन्हें बिलियनेयर बनने में लगभग 15 साल लगे। 80 के दशक में बिल गेट्स को 10 साल लगे और 1985-86 में माइकल डेल को बिलियनेयर बनने में सिर्फ 5 साल लगे। जो लोग नौकरी ढूंढते हैं उनके पास कोई लिवरेज नहीं होता, क्योंकि वो उसी पुरानी अर्थव्यवस्था के विचार में फंसे रहते हैं, कड़ी मेहनत करो। नई अर्थव्यवस्था के लोग यानी वो लोग जो नेटवर्क की शक्ति को समझते हैं और नेटवर्क से जुड़ते हैं, वो लोग ज्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं और आर्थिक रूप से ज्यादा आजाद हो सकते हैं। ये नई अर्थव्यवस्था की शक्ति है। हम नई अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, हम एक नए यथार्थ में रह रहे हैं, पर फिर भी डर के कारण कुछ लोग आज भी औद्योगिक युग के विचारों में फंसे हुए हैं। जब कंप्यूटर आए तो नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व और बढ़ गया। दूसरे शब्दों में ज्यादा से ज्यादा लोग नेटवर्क से जुड़ सके। तो अगर आप आज भी ये मानते हैं कि कड़ी मेहनत करो तो आप अब भी पुरानी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और दुर्भाग्य से आप पीछे रह गए हैं। आप अपनी कर्मचारी वाली मानसिकता को छोड़कर एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना शुरू कर दें, क्योंकि नई अर्थव्यवस्था में सोचने का यही तरीका है। जो हमें पॉइंट नंबर 7 यानी फायदा नंबर 7 की तरफ ले जाता है, अपना यथार्थ तय करना। हाँ, रियलिटी या यथार्थ,
बहुत ही दिलचस्प शब्द है ना। मेरे अमी डैडी कहा करते थे कि आप जिसे यथार्थ समझते हैं वही आपका यथार्थ बन जाता है। अगर आप कहते हैं कि निवेश करना खतरनाक है तो ये आपके लिए सचमुच खतरनाक बन सकता है। फिर आप निवेश करके पैसे नहीं कमा सकते। जब आप इसे खतरनाक मानने लगते हैं तो आप इसी तरह के विचारों को आकर्षित करेंगे और इस तरह का माहौल बना लेंगे कि निवेश आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। मैं ये नहीं मानता कि निवेश खतरनाक होता है। मैं ये भी नहीं मानता कि बिजनेस खतरनाक होता है। मैं ये सोचता हूं कि 9 से 5 की नौकरी करना, अपने काम के चंगुल में फंसे रहना खतरनाक होता है। ये वो जीवन मूल्य है जिनके अनुसार हम बड़े होते हैं और ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा था या हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया है या हमें किस तरह के अनुभव हुए हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि पुरानी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत अब बेमानी हो चुके हैं। नौकरियों की सुरक्षा अब खत्म हो गई है, वफादारी खत्म हो चुकी है। लोग और ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं पर अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे। उन पर पहले से ज्यादा टैक्स लग रहा है। अगर आप अपने जीने का तरीका बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब आपके सोचने का तरीका बदलेगा तभी आप यथार्थ भी बदलेंगे। और कई नेटवर्क कंपनियां यही करने के लिए बनाई गई हैं, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए। क्योंकि बदलने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई मार्गदर्शक होना जरूरी है। इससे मुझे अपने निजी जीवन मूल्यों को बदलने में मदद मिलती है और अपने सोच को भी बदलने में मदद मिलती है। मुझे लगता है कि हम अपने मूलभूत जीवन मूल्यों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल फेंकते बल्कि हम और नए जीवन मूल्यों को सीखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई गरीब रहना चाहता हो। मुझे नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई ये चाहता हो कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। हो सकता है कि उनमें अपने जंजीरें तोड़ने का साहस ना हो, पर अगर आप बदल जाते हैं तो उसके बाद आप उन्हें समर्थन देकर उन्हें बदलने में मदद कर सकते हैं। काम की सुरक्षा या नौकरी की गारंटी को जकड़े रहना खतरनाक है। सरकार या कंपनी आपके बुढ़ापे का ख्याल रखेंगी ये सोचना भी बेवकूफी है। जमाना बदल चुका है और हमें भी जमाने के साथ साथ बदल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये आती है कि बहुत सारे लोग आपका हौसला पस्त कर देते हैं। आप जब मैदान में उतरते हैं तो लोग आपका हौसला बढ़ाने के बजाय आपकी हूटिंग करते हैं। इसका कारण यह है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। यही लीडरशिप की कला का लाभ है कि यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किलें झेलने की हिम्मत देती है। यही आपका पॉइंट नंबर 8 यानी फायदा नंबर 8 है। नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा हमें फायदा नंबर 8 में मिलता है, यानी लीडरशिप कला का फायदा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आप में लीडरशिप की कला होनी चाहिए। आपको एक एंटरप्रेनर बनना होगा। आप बिल गेट्स जैसे अमीर लोगों की तरफ देखें, वो अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। उनमें लीडरशिप की क्षमता है। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, कि लोग उनकी कितनी बुराइयां करते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं और इसलिए वो महान लीडर कहलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आपको लीडर बनना होगा। इसलिए जब 1974 में मैं पहली बड़ी एजुकेशनल रैली में गया तो मैं जिस नए किस्म की शिक्षा की तलाश कर रहा था वो मुझे उस टेप सेट से मिली जिसका नाम था लीड द फील्ड। अर्ल नाइटिंगेल के इस टेप सेट से मुझे लीडरशिप की कला सीखने को मिली। इसके अलावा जिस एक और टेप सेट ने मुझे इस बारे में काफी मदद की वो था टोनी अलेक्जेंड्रा का 10 Qualities of Charismatic People। दोनों ही टेप सेट नाइटिंगेल कॉन्वेंट के हैं। आपको सफल होने के लिए लीडर बनना पड़ेगा, अपने आप को बदलना होगा और आपको अतीत को छोड़ने का साहस लेना पड़ेगा, तभी आप नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और नाइटिंगेल कॉन्वेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपको ई और एस क्वाड्रेंट के बाहर निकलने में मदद करती हैं और आई क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो रॉबर्ट, आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य उज्जवल है और ये आगे और तेजी से विकसित होगा? मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और ये आगे और ज्यादा और भी तेजी से विकसित होगा। इसका पहला कारण ये है कि लोग सुरक्षा की जाल को समझ चुके हैं। कई लोग अब भी कहते हैं मैं सुरक्षित नौकरी तलाश रहा हूं। नींद से जाग जाओ भैया, क्योंकि सुरक्षित नौकरियों का युग अब खत्म हो गया है। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का विचार बना रहे हो तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने दिन की नौकरी करते रहें और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। इसमें मानसिक समझदारी तो है ही, इसमें टैक्स बचाने की भी समझदारी है, क्योंकि जिस पल आप अपना घरेलू बिजनेस शुरू करते हैं आपको टैक्स में भी छूट मिलती है क्योंकि
सरकार ये चाहते हैं कि लोग अपना बिजनेस शुरू करें, इसलिए बी क्वाड्रेंट के लोग कम टैक्स देते हैं और ई या एस क्वाड्रेंट के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए वो है हमारी आजादी। दूसरा कारण जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, तो इससे लोगों के पास अब कोई विकल्प बचा ही नहीं है। नौकरियों की सुरक्षा बची नहीं है, रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा अब कंपनियां सरकार का नहीं रह गया है। अब कंपनियां साफ कह देती हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लें। ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि सभी देशों में हो रहा है और ये 70 के दशक से शुरू हो चुका है। अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कंपनियां इस जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर चुकी हैं। अब ये कर्मचारियों की खुद की जिम्मेदारी है और इसलिए कर्मचारियों को खुद ही योजना बनानी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ेगी क्योंकि ज्यादातर लोग जान चुके हैं कि अपनी आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक भविष्य के लिए स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठना मूर्खता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया के इतिहास में पहले कभी इतने ज्यादा लोगों ने स्टॉक मार्केट में आर्थिक भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जितने कि आज के लोग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट कभी बूम होता है और स्टॉक मार्केट कभी क्रैश होता है। आपका क्या होगा अगर आप 80 साल के हैं और स्टॉक मार्केट के क्रैश होते होते आपका जीवन भी क्रैश हो जाता है? अब आप नए सिरे से कोई नौकरी नहीं ढूंढ सकते, इसलिए अच्छी तरह सोच विचार कर ले। मेरी समझ से तो यही ठीक रहेगा कि लोग अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लें या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाएं। इस तरह वो अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकेंगे, उनके पास ऐसे दोस्त होंगे जिन पर वो भरोसा कर सकें। अभी तो अपनी कंपनियों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं यही कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खड़ा कर लें क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। तो रॉबर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग शिक्षा और एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कहना चाहते हैं कि इन सभी का उद्देश्य है कि लोग अपनी जिंदगी बदल लें। बिल्कुल, हमने ये प्रोडक्ट इसलिए बनाया है ताकि इस इंडस्ट्री और इससे जुड़े लोगों का हम समर्थन कर सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बिजनेस के बाहर से आया हूं और एक बार मैंने इस बिजनेस से मुंह मोड़ लिया था। शायद इसलिए मेरी बातों से लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितने फायदे का बिजनेस है। रॉबर्ट, अंत में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी हैं और वो एक फैसला करना चाहती हैं। क्या आप जल्दी से हमें उन बिल्लियों की कहानी सुनाएंगे? श्योर। सालों पहले मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था कि 3 बिल्लियां फेंस पर बैठी हुई हैं और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि मान लो कि 2 ने कूदने का फैसला कर लिया है तो अब फेंस पर कितनी बिल्लियां बची हैं? और मैंने जवाब दिया 1। पर मेरे अमीर डैडी ने कहा नहीं, वहां अब भी 3 बिल्लियां हैं। फैसला करने का ये मतलब नहीं कि वो फेंस पर से कूद गई हैं, और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वो फैसला कर लेते हैं पर वो कभी भी छलांग नहीं लगा पाते, वो कुछ भी नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि आपके पास नए दोस्त होते हैं, वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप कुछ हटकर करें और अपनी किस्मत को बदल लें। हो सकता है वो आपको मजबूर न करें पर वो आपको पूरी ताकत से प्रोत्साहित जरूर करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हर एक आदमी फेंस पर से कूदे। फेंस पर से कूदने के बाद आपके लिए काफी समर्थन मौजूद रहता है। मेरे उद्योग यानी नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग और नाइटिंगेल कॉन्वेंट में बहुत से लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मुझे नाइटिंगेल कॉन्वेंट का पता तभी चला जब मैं फेंस पर से कूद गया, जब मैंने पहला कदम उठा लिया। मैं आप सभी को यही सलाह देता हूं कि जब आप पहला कदम उठा लेंगे, जब आप छलांग लगा लेंगे, तब आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने में आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। आप जिंदगी को नए अंदाज में जी सकेंगे, आप नई तरह से सोच सकेंगे। मेरी वेबसाइट richdad.com पर हमने आपकी मदद के लिए कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रखी हैं। हमारे पास महान शिक्षकों और महान परामर्शदाताओं की बहुत बड़ी और बढ़िया लाइब्रेरी है। मेरे गरीब डैडी का यह मानना था कि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया काम होती है। जब मैं अपने अमीर डैडी के बताए पहले कदम पर चला और सेल्समैन लाइन में काम ढूंढ लिया तो मेरे गरीब माता पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं कोई अपराधी बन गया था और मैंने कोई बुरा काम कर लिया था। उन्होंने कहा तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, हम लोगों का परिवार बुद्धिजीवी है जबकि सेल्समैन दुनिया की सबसे घटिया कौम है। तब मैंने अपने गरीब डैडी से कहा दुनिया के महानतम नेता दरअसल महान सेल्समैन होते हैं।
रोनाल्ड रीगन को देखें, जिन्हें बहुत अच्छा वक्ता समझा जाता है, वहीं जॉन कैनेडी ने लोगों की सोच बदल दी और दुनिया को एक नई दिशा दी। उन्होंने 10 साल से भी कम समय में इंसान को चांद पर पहुंचा दिया। यही महान सेल्समैन करते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सेल्समैन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता सेल्समैन होते हैं और महानतम धार्मिक नेता भी, क्योंकि उनमें लोगों की जिंदगी बदलने की हिम्मत और कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। 1974 में जब मैंने फेंस पर से कूदने का निर्णय लिया तो मैं अपने गरीब डैडी की सलाह पर नहीं चला। मैंने सुरक्षित नौकरी की तलाश नहीं की। इसके बजाय मैं जेरोक्स कॉरपोरेशन में नौकरी करने लगा, क्योंकि वहां मुझे बेचने का प्रशिक्षण दिया जाता था। और ज्यादातर लोग बेचना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते हैं। मैं अब भी रिजेक्शन से नफरत करता हूं, पर मैंने बेचने की कला सीख ली है। और सबसे महत्वपूर्ण सेल्स जॉब जो आप करते हैं वो आप खुद के साथ करते हैं। हर सुबह जब आप उठकर जिम जाने के बारे में ये सोचते हैं कि आज जिम जाने का मेरा मन नहीं कर रहा, उसी पल आपकी सेल्समैनशिप शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे खुद को जिम ले जाने का फैसला करना चाहिए, आज मैं किसी भी तरह से जिम जाऊंगा। और इस तरह सेल्स की शुरुआत होती है। हमारा उद्देश्य आपको समर्थन देना है। एक बार आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लें, नेक्स्ट